बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड आज का जो हमारा ये जो सेशन हमने किया है आज, ये स्पेशली एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है कि एनसीसी एंट्री क्या होती है, किस तरीके से एनसीसी एंट्री के थ्रू आप डिफेंस फोर्सेज जो है ज्वाइन करना चाहेंगे, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें आपको कि आज मेरे साथ एक मेरे बहुत ही खास दोस्त पीयूष, पीयूष विल बी विद मी। एंड पीयूष आपको बताएगा कि एनसीसी का क्या महत्व है, एनसीसी क्या है एक्चुअली में, एनसीसी के थ्रू कैसे आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं और क्या उसका रोल रहेगा हमारी जीवन में। अगर आप आर्म फोर्सेस भी नहीं ज्वाइन कर पाते हैं एनसीसी के माध्यम से, तो आपके जीवन में एनसीसी कितना मदद करेगी। एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहूंगा सबसे, अब वो रिक्वेस्ट भाई ये है, इस सेशन को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। अपने डाउट जरूर पूछना, अपनी क्वेरीज जरूर रखना अपने मेरे सामने, और मैं कोशिश करूंगा कि पीयूष के साथ मिलके मैं जो है सारी के सारे आपके जो डाउट्स एंड क्वेरीज हैं दोस्तों, वो मैं सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तो एक सेकेंड आप मेरे को दे दीजिए बस। यस यस यस, हेलो कुणाल, जय हिंद। जय हिंद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। जय हिंद हरित है जिया। पीयूष के एंड हियर वी ओ, वी आर लाइव विद पीयूष। हाय भाई, कैसा है? एवं बस सब बढ़िया, तुम बताओ? बस मैं भी ठीक हूँ। यस yes. तो मच अवेटेड था यार ये, है ना? और एक मतलब कोई ऐसा कोई सेटअप नहीं है आज, आई एम जस्ट डूइंग इट फ्रॉम माय बेसिकली बेडरूम से ही, बिकॉज़ आई वाज स्टक विद अ मीटिंग एंड ऑल। तो एकदम से खत्म किया और फटाफट से लॉन्च किया इसको। बस बस, जस्ट ऑफिस, मेरा भी ऑफिस जस्ट खत्म हुआ है। और बिल्कुल बिल्कुल, तो समझ सकते हैं यार, हम दोनों ही वर्किंग है एंड उसके बाद भी टाइम निकालना इन चीजों के लिए, मतलब इट्स अ वेरी वेरी ना हरकुलियन टास्क हो जाता है। एनी हाउ, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टरी भाई, मच अवेटेड। और बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे इस चीज का, एंड आई थिंक यू आर द राइट वन हु कैन लाइक गाइड दीज किड्स ऑन दिस। या यश, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट। एंड पीयूष, वी विल, हम इसको ना हिंदी में रखेंगे ना मेजरली, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं ना हमारे, वो हिंदी हिंदी भाषी हैं, हिंदी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा और क्या था, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा पहले पीयूष को इंट्रोडक्शन से। तो पीयूष हैज बीन अंडर ऑफिसर इन एनसीसी, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वी मेट इन एफओ सिलेक्शन बोर्ड। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ये स्क्रीन आउट हो गया था और मैं स्क्रीन इन हो गया था, यू आर इन गांधीनगर, एंड आई ऑल्सो कुडंट मेक इट इन दैट एसएसबी, आई वॉज कॉन्फ्रेंस्ड आउट। तो दैट वॉज द लास्ट एसएसबी, सेकेंड लास्ट एसएसबी मेरी लाइफ का। तो दूसरी चीज ये है कि भाई हमारा अभी ही इज एम्प्लॉयड इन वेरी गुड फॉर्म, एंड जो उनका सेकेंडरी करियर है उन्होंने वो ऑप्ट आउट किया और ही इज डूइंग ग्रेट इन लाइफ। एंड आज पीयूष हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं कि वो आपको बता पाएंगे एनसीसी क्या होती है, एनसीसी का कितना जीवन में रोल है, और वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि वो जूनियर विंग में भी रहा है, सीनियर विंग में भी रहा है, तो उनको इसके अलावा सारी चीजें आपको पीयूष बता पाएगा। तो पीयूष एक चीज भाई मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहले तुमसे कि यार व्हाट इज एनसीसी के बारे में आता है, अगर मान लो एक लेमन लैंग्वेज में किसी बच्चों को हवा ही नहीं है कि एनसीसी है क्या, तो उस बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा एनसीसी होती क्या है एक्चुअली में। हाँ, तो एनसीसी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके उसकी एक यूथ विंग होती है ताकि वो उसको एक और अच्छे तरीके से, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो yes. अगर हम आर्म फोर्सेस की बात करें तो आर्म फोर्सेस का जो यूथ विंग है वो एनसीसी होता है। ठीक है, आर्मी के लिए अलग, ठीक है, आर्मी के लिए आर्मी विंग होती है, एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स विंग होती है, और नेवी के लिए नेवी विंग होती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको ट्रेन किया जाता है मिलिट्री टैक्टिक्स में भी, ठीक है, और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक, मतलब एक बहुत अच्छा शेड्यूल बनाया जाता है, ठीक है ना। आपको उसमें ड्रिल सिखाया जाता है, आपको उसमें सारे मिलिट्री एक्टिविटीज, मतलब सारे तो नहीं, मतलब एक उतना कि जो बच्चे कर पाए,
ठीक है, जो बच्चे कर पाए, और एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, और एक सेंस ऑफ कॉमरेडरी, ठीक है, वो सारी चीज सिखाई जाती है। उनके साथ साथ काफी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं एनसीसी में, ठीक है, और हम लोग उसमें, अगर आप कोई नेशनल कैंप में जाते हैं, कोई अच्छे कैंप में जाते हैं, तो आपको वो सारी चीजें करने को मिलेगी। जैसे सपोज हमको मौका मिला था IMA जाने का, तो वहां जाके वो सारी चीजें करने को मिली जो वहां आपकी कैडेट्स कर, विच इंक्लूड्स फायरिंग विद इन सबमिलिटर, और बाकी जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, वो सारे कुछ आपको करने को मिलती। और एनसीसी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, अगर आप फौज में जा रहे हैं तो ही आपको एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप फौज में जाने के लिए इच्छुक हैं, तभी आप एनसीसी ज्वाइन करें। मेरे हिसाब से सभी को एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना 3 साल का, और आप जो दोस्त बनाओगे, आप जो बॉन्डिंग वहां पे क्रिएट करोगे, वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो फिर अभी कभी छूटेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी बिल्कुल उसने बताया कि पहले एनसीसी इज नेशनल क्रेडिट कोर, भी हम जानते ही हैं। और जो उसका होता है ना कि क्या होता है थीम वर्ड, क्या होता है एनसीसी का, व्हाट इज द थीम? मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यस, तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज द मोटो। एंड भाई अगर यूथ विंग की बात करी, जैसे पीयूष ने तो सही बोला एकदम पर्टिकुलरली कि एनसीसी जो है एक ऐसी हमारी लोअर लेवल पे, अगर मैं मान लूं यूथ के लिए, अगर आपके अंदर लाइफ में आप डिसिप्लिन चाहते हो, आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को इनकलकेट करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मेरा यार कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ एक डिसिप्लिन वे में निकले, तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह आप ज्वाइन कर सकते हो एनसीसी। और ऐसा नहीं कि एनसीसी से आपको केवल फौज में ही जाना है, ये एक ओवरऑल ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक जरिया भी है ना। एंड पीयूष विल एग्री कि वो भी एक इसके पीछे रीजन था कि उसने के तूने फौज ज्वाइन करने के लिए तो डेफिनेटली उस टाइम पे नहीं करी होगी ज्वाइन, है नहीं ना? नहीं उस समय तो यही मोटिव था कि फौज ज्वाइन करनी, बट अब नहीं कर पाए। तो बात यह है कि, बट उसके उस चीज का ऐसा होता है ना कि अभी भी रिग्रेट नहीं है कि अच्छा आई इन्वेस्टेड, मतलब 3 साल एनसीसी को देने के बाद भी फौज नहीं ज्वाइन कर पाए, तो इस बात का रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि जो चीज सीखने को मिला एनसीसी में, जो एक्सपीरियंस मिला ना, वो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अगर सपोज कि अगर एनसीसी ज्वाइन नहीं होता मेरा, तो हम कभी IMA जाने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। और ऐसे तो इधर भी ऐसे फौज में हुआ नहीं, तो IMA तो ऐसे भी नहीं जाना था, बट बिकॉज ऑफ एनसीसी एक चांस मिला कि IMA जाके वो, मतलब वहां का एक्सपीरियंस 15 दिनों के लिए वो मिला। यस यस यस। तो बेसिकली IMA में भी तूने अटेंड किया है, मतलब IMA अटैचमेंट पे भी गया हुआ है, तो मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये रैंडम सेशन करेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, सारे हाँ टॉप क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे एकदम, जिसे जस्ट अ जी फ्रेंड टू फ्रेंड टॉक। तो IMA हाँ का भाई मतलब अटैचमेंट गई, तो मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा जब तू IMA गया, मतलब कैसी फीलिंग ये थी? ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो मेरे लाइफ के सबसे बेहतरीन 15 दिन थे वहां पे। मतलब ऑब्वियसली इजी नहीं था सारा कुछ करना, वहां का जो एकदम स्ट्रिक्ट शेड्यूल था, कभी कभी वहां पे लगता भी था कि यार, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ये कर दे रहे, एग्जॉस्ट हो जाता था, सब सभी लोग एग्जॉस्ट हो जाते थे फिजिकली मेंटली एज वेल। उस समय कभी कभी लगता था कि यार बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बट फिर क्या है ना कि बाद में अभी वही चीजें याद आती है। और वहां पे भी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग दिन भर सारे चीजों में रहते थे, सारे एक्टिविटीज में रहते थे, तो हम लोग एंजॉय नहीं करते थे, हम लोग काफी एंजॉय करते थे। और क्योंकि बात ये थी कि, मतलब आई टेल यू अ स्टोरी, ओके, मतलब एक बहुत बड़ा बेसिक सा स्टोरी है। जब मेरा एनसीसी में पहला दिन था, ठीक है, जब मेरा एनसीसी में पहला दिन था, तो मेरे मेरा एनसीसी ए सर्टिफिकेट था, बट वो किसी कारण से कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो जब बी सर्टिफिकेट में, जब कॉलेज में आने के बाद पता चला कि अच्छा हाँ ठीक है, ये कॉलेज में एनसीसी है, तो बहुत खुशी हुई। तो किसी ने बताया कि संडे को 8 बजे से शुरू होता है, मतलब हर संडे, ईच संडे 8 बजे से होता है। ठीक है। तो उसी, जो भी संडे था, वो इसके बाद जो संडे आया, बस उसमें ऐसे ही बस नॉर्मल हम डेनिम, आई मीन जीन्स और टी शर्ट पहन के, और एक चप्पल पहन के हम चले गए, ठीक है। और वहां पे जैसे जब आप एनसीसी में जाते हो ना, तो एक लाइनअप करके लोग होते हैं, कैडेट सारे यूनिफॉर्म में होते हैं, और एक तुम्हारे कमांडर होता है जो सामने आके खड़ा होता है,
अगर तुम लेट हो तो पहले तुमको आके उससे परमिशन लेना, तब ज्वाइन करना है, और ऐसे नहीं करना यू हैव टू मार्च एंड गो। बट वो मेरा पहला दिन था, तो बस ऐसे चलते चलते हम उसके पास गए और आई आस्क्ड हिम कि कैन आई ज्वाइन देम, तो ही सेड या, ही आस्क्ड मी दैट कैन यू गेट अ पेयर ऑफ शूज नाउ, हम बोले नो, तो बोला ओके यू ज्वाइन। तो उसके बाद वो था, तो जिस बंदे से मैंने पूछा था ना, उसके पास था IMA का बैच, मतलब सबसे पहले उसी के पास देखा IMA का बैच, तो लगा यार कि ये कैसे मिला, ये कैसे मिला, क्योंकि IMA के बारे में तो पता ही था, तो वह था कि ये कैसे मिला, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस। तो उसके बाद क्या ना कि खत्म होने के बाद, वो खत्म होने के बाद हम उसके पास गए और पूछे कि मतलब सीनियर हम लोग उस मतलब जो भी हमारे सीनियर होता है हम लोग सीनियर करके एड्रेस करते हैं उनको, तो सीनियर ये आपको कैसे मिला, तो वो मेरे को बताए कि ऐसा एक IMA अटैचमेंट कैंप होता है जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबली झारखंड से एक या दो लोग सेलेक्ट होते हैं, मतलब हर एक स्टेट से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से 120 कैडेट सेलेक्ट होते हैं। तो जब वो ये बात बताया ना कि एक ही दो सेलेक्ट होता है, तो उस समय लगा कि यार मतलब काफी टफ है, और ऑब्वियस है मतलब वहां जाके कंप्लीट करना तो टफ है ही, बट उतना भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ा 30 मार खाना है, नहीं ऐसा भी कोई बात नहीं है, बट हाँ कि वो मतलब एक लगा कि हाँ चलो यार अच्छा होगा, काफी टफ होगा। तो उसका उसी दिन से ना मेरे मन में आया कि अच्छा जब मेरी मेरी बारी आएगी तो एक बार हम भी ट्राई करेंगे इस चीज को। तो जब हम थर्ड ईयर में गए तो फिर ये सेम चीज मतलब मेरे लिए भी आया, तो मेरे जो उस समय सीनियर अंडर ऑफिसर थे, मेरे सीनियर अंडर ऑफिसर थे, वो मेरे को बोले कि तुम जाओ इंटरव्यू दो बटालियन में, हमारे बटालियन में इंटरव्यू हो रहा था। तो उस समय था ना कि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था उतना कि यार मेरा होगा नहीं होगा, बट हम गए, मेरे साथ एक और लड़का था, हम लोग दोनों गए और मतलब मेरा हो गया उस पे, ठीक है, और सही बात है एकदम विश्वास नहीं था कि मेरा हो जाएगा। उसके बाद फिर मतलब वहां का सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ, और जब हम लोग फिर वापस से जब हम लोग वहाँ IMA गए और सारा चीज कंप्लीट हुआ, और जब वो बैच मेरे पास आया, सेम बैच जब मेरे यूनिफॉर्म में लगा, तो ऑब्वियस है कि वो बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस भी था। और IMA के एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो IMA भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने सारे जितने वहां पे एक खेतरपाल ऑडिटोरियम है जहाँ पे लक्ष्य मूवी अगर देखोगे तो वहां पे प्लेज जो हुआ था वहां, मतलब IMA का मतलब ओवरऑल कैंपस हम लोगों ने घूमा और सारे ट्रेनिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, फायरिंग किया, ये सब मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था IMA का। मतलब वो थे ना कि द बेस्ट 15 days ऑफ माई लाइफ विच आई नेवर फॉरगेट, नेवर एवर फॉरगेट। भाई, IMA इज लाइक अगर आप एक आर्म फोर्सेस के एस्पिरेंट हो तो IMA के लिए तो सबका मतलब एक अलग ही, मतलब एक रिस्पेक्ट, मैं इसको बोलूंगा ना, एक अलग ही रिस्पेक्ट होता है सबके ना दिल में. ड्रीम और इट इज द क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता है ना. सो टीम। जितने भी आपके सीनियर जो भी आर्मी ऑफिसर पास आउट हुआ है, मेजरली आर फ्रॉम IMA, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाँ। वन IMA मोर की थिंग, मतलब. आई गॉट अ चांस वहां पे हम लोग को सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र से मिलने का भी हम लोग को मौका मिला, उनसे भी मिलने का मौका मिला, क्योंकि वो 11 जैक है ना, 11 जैक में है, 11 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में, तो वो उनका बेस तो देहरादून में ही है, तो जब हम लोग थे तो वहाँ उनको भी इनवाइट किया गया एज ए स्पीकर, और उन्होंने हमको एड्रेस भी किया था वो कैसे वहाँ पे मतलब उस पॉइंट पे फंसे रहे और कैसे उन्होंने मतलब सारे मतलब तीन तीन चार चार बुलेट्स उनको लगी थी, उसके बाद भी वो कैसे सरवाइव करके और मतलब अपने तिरंगा वहाँ पे लगाया। बिल्कुल तो मतलब एक ना ऐसे लोगों से, इनको बेसिकली ना लीजेंड्स बोला जाता है, इनसे मिलके ना एक अलग ही मतलब खुशी होती है. काफी सारी सही। चीजें आपको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी. अच्छा पीयूष, एक चीज बता, लाइक एक सवाल आता है अगला मन में कि डायरेक्टरेट्स कैसी कैसी होती हैं NCC में. जैसे अगर मैं बात करूं तो हम अभी वी विल स्टिक टू द मेन टॉपिक भाई, डायरेक्टरेट कौन कौन सी है NCC में, और अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो वो करेगा कैसे. NCC में बेसिकली पूरे कंट्री में NCC में 17 डायरेक्टरेट्स हैं, ठीक है। इसमें ऐसा है कि अगर हम जैसे तेरे दिल्ली डायरेक्टरेट की बात करें तो दिल्ली एक डायरेक्टरेट है, ठीक है, और अगर इधर हम हमारी बात करें तो बिहार और झारखंड को मिला के एक डायरेक्टरेट है। तो ऐसे क्या क्या है ना कि बहुत सारे जैसे APN तेलंगाना,
तो दो स्टेट्स को मिला के एक डायरेक्टरेट बना दे रहे हैं, ठीक है, जो कि वो अपना सारा एक्टिविटीज वहां पे मैनेज करते हैं, ठीक है, और इसमें टोटल 17 डायरेक्टरेट्स हैं, ठीक है। और बात है कि कैसे ज्वाइन करें, तो मैक्सिमम कॉलेजेस में, ठीक है, ये होता है एनसीसी। और अगर जैसे अभी मैंने किसी बच्चे का कमेंट देखा कि मेरे कॉलेज में एनसीसी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जाकर मतलब आपको पता करना होगा कि आपके टाउन में या सिटी में कौन सा नियरेस्ट में ये है कोई भी एनसीसी यूनिट है, ठीक है। और वो यूनिट्स क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं बाहर के बच्चों को भी अलाउ करते हैं। अगर आपके कॉलेज में है तो वेल एंड गुड, आप कॉलेज में जाओ, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो, एंड फिर आप एनसीसी का हिस्सा बन सकते हो। ऑब्वियस है, देखो सीट्स कम होती हैं, ठीक है, ज्यादा जहां तक मेरे पता, मेरे कॉलेज में सिर्फ 50 सीट्स अलॉटेड हैं, और शुरू शुरू में तो बच्चे बहुत आते हैं, 200 250 बच्चे रिपोर्ट करते हैं, तो आपको जो टेस्ट होगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल इंटरव्यूज भी होने लगे आजकल, तो आपके आपको ये सब चीज आपको पास करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप लास्ट तक टिके होते हैं तो आपका आपको एनरोलमेंट, क्योंकि ये तुरंत होता नहीं है, ठीक है, वो ये आपको 1-2 महीने तक आपके टेस्ट चलेंगे, ठीक है, आपको राइट एक दो राइट महीने आपको क्लास आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आप 2 महीने तक टिक गए, आप रेगुलर हैं अपने काम को लेके, अपने एक्टिविटीज को लेके, और अगर उन आप में कुछ दिखेगा उनको कि हाँ चलो ये जो बंदा है ये 3 साल तक ये कर लेगा और सी सर्टिफिकेट तक ही जाएगा ये, तो फिर वो लोग ये करेंगे। और बाकी है कि अब मतलब ये जैसे बताए कि कॉलेज में अगर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कॉलेज में जो एनसीसी ऑफिसर होते हैं जिनको एएनओ बोलते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके जो सीनियर अंडर ऑफिसर हैं आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके कॉलेजेस में नहीं है तो बहुत सारे कॉलेज जो यूनिट्स होते हैं वो बाहर के बच्चों को अलाउ करते हैं। जैसे हमारे अगर जगह की बात करें तो मेरा 3 झारखंड बटालियन है, तो इसमें सारे कॉलेजेस बाहर के बच्चों को अलाउ नहीं करते, बट यही है एयर विंग का एक यूनिट है, तो उसमें क्या है कि आप बाहर के बच्चों को भी सब वो लोग अलाउ करते हैं। हाँ ये बात है कि आपसे वो कुछ प्रूफ्स मांगेंगे, आप कहाँ आप किस कॉलेज में हैं और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो आपको देना पड़ेगा, और फिर आप ऐसे करके एनसीसी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यस तो ये ना एक भाई मेजर डाउट था कैसे करे कहाँ से करे, तो मेरे को थोड़ा सा हेजी आइडिया था। आई वाज हैविंग एन आइडिया बिकॉज आई एम नॉट एन एनसीसी कैडेट, आई वाज जस्ट डायरेक्ट एंट्री वाला कैंडिडेट, तो मैंने सोचा यू आर द राइट पर्सन। एंड जैसे पीयूष ने बोला कि आपके आसपास में एनसीसी की यूनिट बच्चों होगी, आसपास में जाओ पता करो थोड़ा सा रिसर्च करो एंड यू विल गेट टू नो। अच्छा पीयूष एक चीज और आती है भाई, जैसे अब तुमने एनसीसी ज्वाइन कर ली, अब मुझे ये बता एनसीसी करने में, एनसीसी जब तूने ज्वाइन की तो भाई रगड़ा तो लगा ही होगा, अब फौज में तो हर जगह रगड़ा है, अब तुम एनसीसी ज्वाइन करोगे तो भी रगड़ा लगेगा, तो हाँ, यार वो रगड़ा वाला एक्सपीरियंस कैसा था, वो थोड़ा सा कुछ बताना चाहेगा उसके उसके बारे में। अगर रगड़ा की बात करें तो रगड़ा इज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ एनसीसी, ठीक है ना। मतलब उसमें शुरू शुरू में, एकदम शुरू शुरू की बात बताते हैं, देखो एनसीसी में क्या है ना, फौज में क्या, सिर्फ फौज की बात करते हैं, फौज में अगर एक गलती की, एक ने गलती की तो सजा सबको, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर एक गलती किया तो उसी को सजा मिलेगी बाकी खड़े होकर देखेंगे, ऐसा नहीं। यहां तक कि उस्ताद खुद को भी सजा देता है, उस केस में उस्ताद खुद को भी सजा देता है। तो एनसीसी में भी यही चीज था कि अगर कोई, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल है कि सपोज पनिशमेंट मिला 10 पुशअप्स करने का, ठीक है, 10 पुशअप्स किए, ठीक है, उसके बाद उठने का कमांड मिला, उठ गए, और बहुत लोग क्या करते हैं, हाथ झाड़ने लगते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं करना है। जब तक उसका भी कमांड आएगा कि अगर हाथ झाड़ने का कमांड आया तो ही हाथ झाड़ना है, नहीं तो भाई तू गंदे में ही काम चला, ठीक है। और उसमें क्योंकि आप देखो ऐसे ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर, ठीक है, अगर हम गिर गए या हाथ जमीन पे लग गया तो ऑब्वियस से झाड़ेंगे, तो ऐसा क्या है कि अगर मतलब शुरू शुरू में ऐसा होता था कि बच्चे अननोइंगली कर देते थे फिर से पनिशमेंट, तो उस समय ना शुरू शुरू में गुस्सा आ जाता है, अरे भाई जब मेरी गलती है ही नहीं तो हम पनिशमेंट क्यों खाए, ठीक है, और ऐसे करके मतलब बट क्या हुआ ना कि धीरे 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 ना वो एकदम एनसीसी का पार्ट बनते गया, पार्ट बनते गया। और अभी भी याद है कि एक दो लोग मतलब हमारे एक दो सीनियर्स और बैचमेट्स इतने फनी थे, इतने फनी थे कि हम लोग पनिशमेंट में भी एंजॉयमेंट मतलब ढूंढ लेते थे, ठीक है ना, पनिशमेंट मिल रहा है पूरा एकदम हार्ड पनिशमेंट है, धूप में हम लोग फ्रंट रोल मार रहे हैं और क्रॉल कर रहे हैं, मंकी क्रॉल कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बट हाँ वो एकदम मतलब संडे वॉज ए कंप्लीट एडवेंचर फॉर अस,
एकदम मतलब पूरा फुल टू एंजॉयमेंट हो रहा है। हाँ रगड़ा है मतलब ऑब्वियस है, किसी किसी टाइम थोड़ा सीरियस भी हो जाता था। अगर भाई हर समय तो हम लोग हंसी मजाक नहीं कर सकते ना, सपोज कि हम अगर किसी परेड की तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, उसमें अगर कोई गलती कर रहा है तो ऑब्वियस है कि माहौल थोड़ा सीरियस होता था। पर ठीक है लाइक यही सब सारा जो मिक्स्ड एक्सपीरियंस है ना, जो सारा मिक्स्ड इमोशंस है, ये आगे जाके बहुत याद आता है और एक मतलब अनफॉरगेटेबल मेमोरी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बच्चा ना काफी देर से एक रिक्वेस्ट कर रहा है, सर ऐड करो बेटा दिस सेशन में हम आपके मेजरली क्वेरीज दूर कर देंगे। इसका मैंने कमेंट पढ़ा था कि मेरे को पैरा कमांडो बनना है। यार एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगा, पीयूष है सेशन में, इज लाइक माई ब्रदर एंड हम लोग तो बैचमेट्स भी हैं और हम साथ में एग्जाम्स दिए हैं, फेल भी साथ में हुए हैं। तो मैं तुम्हें यही चीज बता दूंगा कि यार एक बात हमेशा याद रखना, नाउ वी आर सेटल्ड इनटू आवर सेपरेट करियर्स, व्हाट एवर वी आर डूइंग वी आर लविंग इट। तो दो एक चीज याद रखना हमेशा कि यार फौज में जाना हलवे वाली बात तो है नहीं, हलवा तो है नहीं, कि तुम लोग ना बहुत ज्यादा विशफुल जोन में है। बहुत सारे बच्चे पीयूष मैंने देखा है कि पढ़ाई नहीं करना चाहते, दीज गाइज थिंक ऐसे ही हो जाएगा, है ना, पैरा कमांडो बनना है। यार कभी ना मेहनत देखो उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है, पिछवाड़े पे लात मार के दे थ्रो यू आउट। आई एम वेरी वेरी रफ समटाइम्स, बट अगर आप ट्रेनिंग में पैरा वैरा की तो मैं चलो वो बात की बात है, समटाइम आई डू अ लाइव सेशन विद एनी ऑफ द पैरा ऑफिसर टू। एंड तो वो वाली बात है कि यार थोड़ा ना ग्राउंड लेवल पे आ जाओ, थोड़ा सा ना अपने आप को ना ग्राउंड लेवल पे लेके जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं पैरा कमांडो बन जाऊंगा, मैं मार्कोस बन जाऊंगा, मैं गरुड़ बन जाऊंगा, यार उसके पीछे लगती है मेहनत, उसके लिए पेपर पास करने पड़ेंगे। तो मुंह सही उठा के बात। जाओगे कोई तुम्हें सिलेक्शन तो लेगा नहीं। एक्स एंड वाई में भी एग्जाम है, SSB में तो SSB है ही, ऑफिसर एंट्रीज में SSB है। यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड फौज को चाहिए मैच्योर बंदा। NDA में जाओ, CDS में जाओ, FCAT में जाओ, किसी भी एंट्री में जाओ, उन्हें चाहिए मैच्योर बंदा जो फ्लेक्सिबल हो, जिसको वो ट्रेन कर सकते हैं। आई कैन वाउच फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस एंड आई थिंक पीयूष भी उस पर एग्री करेगा कि यार जब हम SSB जाते थे तो, और अभी भी हमारी ऑफिसर से जैसे जैसे बात होती है, तूने देखा ही होगा कि आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ टॉक्स विद द ऑफिसर्स। तो तुम्हें एक चीज तुम्हें कॉमन पाई होगी, दीज गाइज आर वेरी वे अपार्ट। वे अपार्ट मतलब वो कुछ जो हमेशा कोई भी ऑफिसर आता है तो वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, सही पढ़ाई तो बात। भैया करनी पड़ेगी। अब तुम सोचो कि NCC इज जस्ट अ वे टू गेट इन टू द फोर्सेज, क्योंकि वो आपको जो फौज का एक प्राइम चीज है दैट इज डिसिप्लिन, है ना, और बिल्कुल यूनिटी एंड डिसिप्लिन है ना उसके लोगों में, तो वो डिसिप्लिन तुम्हें सिखा देती है, तो वो तो तुम्हारे खून में चला जाएगा। तो वो डिसिप्लिन ही है फौज, मतलब अगर आपके दिमाग में कहीं फौज आता है माथे में तो उसका मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप सीख सकते हो फौज से, NCC उसके जाने का एक जरिया है। पर आप सोचो कि NCC में कर लूंगा तो NCC में मेहनत नहीं है भाई, NCC में डबल मेहनत है। मैं तो ये मानता बहुत हूँ मेहनत है, बहुत जो मेहनत रिटर्न है। वाला बंदा है ना उसने उतनी मेहनत नहीं की जितना NCC वाले ने कर ली होगी, हाँ इतने मेरे तो जूनियर्स गलत भी खा ज्वाइन हो रहे हैं लाइफ पे, कुछ जूनियर्स भी मेरे वो ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ और ये बात भी है यार कि हाँ एनसीसी में ऐसे नहीं है कि मेहनत नहीं है, अगर यू गेट कमिटेड फॉर 3 ईयर्स टू एनसीसी तो समझ लो भाई तुम्हारा 3 साल का संडेज गया, नहीं सो पाओगे ज्यादा टाइम, ठीक है ना। और ऐसे है कि मंडे टू कॉलेजेस में तो भाई मंडे टू सैटरडे कॉलेज होता ही है, और हमारे लिए संडे भी कॉलेज होता था, ठीक है। हाँ अगर एक्सेप्शन तब होते थे जब एग्जाम्स आ रहे हैं तो उस समय क्लासेस बंद कर दिए जाते थे, बट ऐसे संडे को भी ज्वाइन होना था, संडे को भी आपको कॉलेज जाना है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीसी में आपको ठीक है आपको रिटर्न नहीं देने को मिल रहा है तो आप मेहनत कम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि एनसीसी में तो आपको दोनों काम करना है, आपको फिजिकली अपना तो ध्यान रखना ही है, ऊपर से एनसीसी में रिटर्न एग्जाम भी है जिससे आपको बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट क्वालिफाई करने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है और खेलकूद किए और निकल गए, नहीं है ऐसा नहीं है। अच्छा अभी सी सर्टिफिकेट वाली चीज पे आएंगे। अच्छा एक चीज और मैं बोलना भूल गया, जैसे इसने बोला ना अभी पीयूष ने कि रगड़ा हमें खूब लगा है, तो यार एक बात याद रखो फौज में जब तक रगड़ा नहीं खाओगे तो फौजी बनने का फायदा नहीं है। जितना बोला रगड़ा जाता उतना ना तगड़ा। जितना रगड़ा उतना तगड़ा, हाँ तो वो चीज है। तो मतलब मैं एक चीज इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखो। आई एम 28 ईयर्स ओल्ड नाउ एंड जो मैंने तैयारी के दौरान जो अपने अंदर लाइक बचपन से ही था फिट रखने का खुद को जज्बा, तो पर हम SSB एस्पिरेंट्स हैं, आर्म फोर्सेज एस्पिरेंट, तो भाई एक वो फिटनेस की जर्नी हमारी चलती ही रही, उसकी वजह से ही हम अपने आप को बीमारियों से बचा के रखते हैं। अपने आप के शेड्यूल में फिजिकल फिटनेस और एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करो। NCC आप ज्वाइन करोगे तो NCC में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। अच्छा पीयूष एक चीज बता, जब NCC ज्वाइन करी तो एक हाँ मतलब अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस हो गया, मतलब एक जो नॉर्मल कॉलेज का बच्चा है उससे तुम अलग कर रहे हो कुछ ना, तुम बचे हुए अलग टाइम को पहचान भी बन जाती है, अलग यस पहचान तुम बन जाती है तुम्हारी कॉलेज में। बिल्कुल तुम
उन बच्चों की तरह नहीं हो जो केवल पढ़ते हैं जाते हैं और टाइम पास करके कॉलेज में आ जाते हैं। तुमने एक ना अलग कमिटमेंट दे दी है ना, और वहां पे तुमने 3 साल के लिए कमिट किया। अच्छा, अब एनसीसी ऐसे क्या मौके देती है उसके बारे में थोड़ा सा बता, क्या अपॉर्चुनिटीज एनसीसी देती है, क्या क्या एक्टिविटीज एनसीसी में होती हैं जिनसे कि वो टेन्योर जो होता है वो थोड़ा सा बेरेबल बन जाता है, और पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव होती है एनसीसी के माध्यम से। देखो, एनसीसी में क्या है कि अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एनसीसी के थ्रू तुम अपने जेब से बिना 1 रुपया खर्च किए पूरा कंट्री घूम सकते हो, ठीक है, थ्रू वेरियस नेशनल कैंप्स। ठीक है, जैसे एनसीसी में जब मेरा टाइम था तो उसमें एक होता था, अभी तो शायद उसका नाम बदल गया है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एनआईसी कैंप बोलते थे। ठीक है, वो कभी अंडमान निकोबार, कभी लक्षद्वीप, और सोचो ऐसे ऐसे एकदम प्राइम जगह जहां पे अगर तुम जाओ तो पर पर्सन अराउंड 40-50,000 तुम्हारा ऐसे ही निकल जाएगा, और वो तुमको सारा खर्चा वो एनसीसी उठा के तुमको वो कैंप में वहां जाके, वहां पे बहुत सारे सारे डायरेक्टरेट्स के बच्चे आते हैं वहां पे, वहां तुम्हारा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होगा और बहुत सारे और वेरियस अदर प्रोग्राम्स होंगे जिससे तुम एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे स्टेट्स के कल्चर्स को जानने को मिलेगा तुमको। ठीक है, और तुम उन बच्चों के साथ वहां पे 10 दिन 12 दिन रहोगे तो वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, और अगर दूसरी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जैसे मेरा IIM कैंप था, फिर बच्चे TSC के लिए भी जाते हैं, RDC के लिए जाते हैं, तो जो बच्चे मतलब ये सब कैंप कर पाते हैं तो मतलब ऑब्वियस है कि लाइक दे हैव वर्क्ड हार्ड, और वो बहुत लकी भी हैं क्योंकि सभी को मौका नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे मेरे ही कॉलेज में क्या है ना, मेरे कॉलेज में था कि 75% अटेंडेंस इज मस्ट। ठीक है, और उसमें फिर अगर तुम एनसीसी में जा रहे हो तो मतलब गो एट योर ओन रिस्क, आप मतलब कॉलेज आपको मदद नहीं करेगी अगर आपका अटेंडेंस 75 से कम गया तो हमारे कॉलेज के बच्चे अभी भी इस चीज से मतलब काफी नाखुश रहते हैं कि हम एनसीसी करने के बाद भी हम फुल फ्लेज्ड वे में उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। ठीक है, तो ये है कि अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी एनसीसी में अगर आप अच्छे से एकदम, हाँ किसी ने कहा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, हाँ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है जो कि आपको अदर कंट्रीज में, अभी मेरे ही एक जूनियर है वो बांग्लादेश होके YEP बांग्लादेश में गया है, मतलब गया था अभी लास्ट मंथ ही शायद था, दिसंबर में था, दिसंबर या जनवरी में था, तो YEP बांग्लादेश वो होके आया है। तो ये सब है कि आपको आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा चीज, बहुत सारे एक्टिविटीज मिलेंगे, उसके लिए आपको नहीं सोचना, और ऐसे आपके ओवरऑल डेवलपमेंट उसमें का शेड्यूल ऐसा है। जैसे हमारे यूनिट में क्या होता था कि हम किसी भी बच्चे को, जैसे हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्च पास्ट किए, ड्रिल किए और घर चले गए, नहीं, ये हमारा शेड्यूल ऐसा होता था कि सुबह रिपोर्टिंग हुआ, PT हुआ, ड्रिल हुआ, उसके बाद फिर हम सारे बच्चों को बैठाते थे। ठीक है, और खुद भी बैठते थे हम लोग। उसके बाद क्या होता था कि थ्योरी क्लास चलता था, थ्योरी क्लास चलने के बाद यूज टू हैव सम टॉपिक्स, ओके, अगर करंट अफेयर्स में कुछ हो रहा है। ठीक है, जैसे उस समय वो आपका हमारा ये चल रहा था, डोकलाम इशू चल रहा था। ठीक है, तो वो है, तो एक दिन पहले बच्चों को बता दिया जाता था कि ठीक है लाइक टुमारो विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, तो अपना अपना भाई तुम लोग प्रिपेयर करके आना और किसी को भी उठाया जाएगा और बोलने के लिए बोला जाएगा। तो ये सब चीज जो है ना, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सेकेंड ईयर में जब लाइक व्हेन आई वेंट टू सेकेंड ईयर, तो मेरा ऐसा था ना कि अगर पब्लिकली खड़ा कर दो, ठीक है, अगर 10 लोग भी बैठे हैं और पब्लिकली खड़ा कर दो तो मुंह से आवाज नहीं निकलता था मेरा। बट फिर क्या हुआ ना, आफ्टर गोइंग टू IIM में ये चीज, ये मेरे में बहुत बड़ा बदलाव आया, और ये मेरे बैचमेट्स भी हमेशा बोलते थे कि IIM से आने के बाद मतलब तुम्हारे पर्सनालिटी में एक चेंज आया है, मतलब ये एक बहुत अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज था कि लाइक आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, कि अगर हाँ 10-20 लोग बैठे हुए हैं तो आई वॉज एबल टू एड्रेस देम वेल। तो ये सब चीज था, ये सब चीज आपका जो छोटे 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 एक्टिविटीज होते हैं ना, जब ये धीरे 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 करके आप रिपीटेडली करते हो तो एक 3 साल का जो लंबा टाइम स्पैन होता है इसमें आपके पर्सनालिटी में एक बड़ा मेजर चेंज आता है। ठीक है, आपके चलने का तरीका, जब आप मार्च पास्ट करते हो, जब आप PT करते हो, तो आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपका टर्नआउट, आपका बाल, अभी तो छोड़ो, अब तो ये नहीं तो मेरा एक्सक्यूज करो, और अभी वर्क फ्रॉम होम है तो अभी समय भी नहीं मिलता तो, बट वहां पे जब कॉलेज में जो मेरे मतलब बाकी क्लासमेट्स थे, तो
तो उनके बीच में एक अलग इमेज था कि नहीं भाई ये एनसीसी का है, ठीक है, टीचर्स प्रोफेसर है उनके बीच में भी अलग इमेज था कि हाँ ये लड़का एनसीसी का है, और मतलब अगर एनसीसी के काम से कहीं जाना भी हो या फिर कुछ काम भी हो तो टीचर्स कभी भी तुमको मतलब टोकते नहीं थे, तो ये सब चीज है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और आप अगर इसको अच्छे से डेडिकेटेड वे में करो ना तो आपके 3 साल के लाइफ स्पैन में आपको बहुत अच्छा टाइम स्पैन में बहुत अच्छा चेंज आ सकता है आपके इसमें, और इवन इफ यू डोंट ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस तो ये जो एक्सपीरियंस है ना और ये जो आपके अंदर जो पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे आई एम श्योर। बहुत सही बात बोली पीयूष ने कि एनसीसी भी एक तरीके से लाइक छोटी फौज मान के चलो। एंड आई थिंक अगर कभी भगवान न करे ऐसा हो, मैं फिर से रिपीट करूंगा, भगवान न करे ऐसा हो कि ऐसे टू फ्रंट पे वॉर हो जाए और शॉर्टेज हो जाए फौज की, तो आई थिंक अगर सेवाएं ली जाएंगी किसी से जिनको थोड़ा सा भी डिफेंस बियरिंग है, तो वो लोग एनसीसी वाले कैडेट्स होने वाले हैं ना। और आई थिंक हमारी एनसीसी में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा ऐसा यूथ है। 62 में हुआ भी था शिवम, शिवम हाँ 62 वॉर में हुआ था, जैसे अभी हमारे ये है ना आर्मी सर्विस कोर, तो उस समय शायद सर्विस कोर उतना मतलब था शायद, उस समय शायद वो नहीं बना था सर्विस कोर, तो एनसीसी वाले बच्चों ने काफी कंट्रीब्यूट किया था 62 वॉर में, मतलब एज अ बैक एंड नॉट फ्रंट पे, नहीं पीछे से, मतलब वो सपोर्ट पे थे, ठीक है, जैसे राशन पहुंचाना, एम्यूनेशन पहुंचाना, फिर अदर मेडिकल सप्लाईज, ये सब चीज में बच्चों ने किया था एनसीसी के बच्चों ने। बिल्कुल, तो मतलब देश सेवा में ही होता है जो भी होता है। अगर आप फौज में भी जा रहे हो तो देश सेवा करें। एंड ये एक मतलब अलग ही, मैं मानता हूँ एक अलग ही इज्जत होती है एनसीसी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि मैंने रिटन एग्जाम दिए हैं। एंड जब मैं पीयू से पहली बार मिला था तो यार मैंने, मेरे को एनसीसी वालों के लिए मतलब खासतौर से कुछ ज्यादा मैं वो रखता नहीं था रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे को लगता था यार ये लोग मस्ती करके आते। देन जब हमारी बात हुई, देन पता लगा कि नहीं यार ये तो बेचारे, हम तो पेपर पास करके आ गए, ये तो बेचारे पेपर भी पास करके आए और रगड़ा भी खा के आए हैं, इनसे तो हम तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। एंड एनसीसी एंट्री अगर मैं बात करूं पीयूष, जैसे यू नो कि आर्मी में हर हर अकेडमी के अंदर 10% सीट्स आर रिजर्व है ना, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए। अब एक्सेप्ट भाई वो आईएमए, रिजर्व है तो एक्सेप्ट यस, आईएमए में नहीं, आईएमए में नहीं, हाँ आईएमए छोड़ के हाँ IMA छोड़ के हर कोर्स में रिजर्व है। तो बेसिकली अब भाई उनका कुछ ना कुछ अहमियत है, तभी तो रिजर्व करी हुई है सीट सरकार ने। मुझे एक चीज बता, अब ये सी सर्टिफिकेट की बात आती है, मेन मेन मुद्दा है सी सर्टिफिकेट। ए कर लिया, एग्जाम कितने होते हैं, कितने तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं, और ये जो भाई सबसे बड़ा बड़ा जो सवाल है कि सी सर्टिफिकेट वो है क्या चीज और लिया कैसे जाए, ये बताओ। चलो ठीक है, तो अगर सर्टिफिकेट्स की बात करें तो एनसीसी में बेसिकली 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं। पहला होता है ए सर्टिफिकेट जो कि जूनियर डिवीजन के लिए होता है, जो हम लोग स्कूल टाइम में करते हैं, मतलब काफी सारे स्कूल में 7-8 क्लास में करवाते हैं, किसी में 6-7 में करवाते हैं, वो डिपेंड करता है कि स्कूल का वो डिसीजन है वो कैसे करवाते हैं, ठीक है, तो 10 के पहले तुम्हारा ए सर्टिफिकेट हो जाता है, और बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज लेवल पे होता है, ठीक है, बी सर्टिफिकेट लेने के लिए मिनिमम तुमको 2 साल मतलब एनसीसी में ये करना पड़ेगा, और यो बेसिकली अगर मतलब +2 के बच्चे भी कर लेते हैं और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जो बच्चे जाते हैं वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो 2 साल जब हो जाएगा तो 2 साल में 2 कैंप करना होता है, ठीक है, नेशनल कैंप्स, हाँ कैंप्स इज अ वेरी आई मीन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनसीसी, क्योंकि जो मेजर लर्निंग होती है ना वो तुम कैंप्स में ही सीखते हो, तो कैंप्स में जाके मतलब 10 दिन का कैंप होता है, तो 10 दिन तुम वहीं कैंप में रहते हो, फिर सारा एक्टिविटीज होता है, सुबह 4 बजे उठना, फ्रेश होना, 5 बजे नीचे फॉलिंग फॉलिंग करना, फिर सारा ये एक्टिविटीज करना, जो पहले तो पीटी होगा, फिर ब्रेकफास्ट होगा, फिर तुरंत जैसे ब्रेकफास्ट खत्म होगा उसके बाद तुम ड्रिल के लिए रिपोर्ट करो, फिर वही वगैरह वगैरह क्लासेस वगैरह, ऐसे करके दिन भर का पूरा एकदम टाइट पैक शेड्यूल रहता है, ठीक है, तो कैंप्स तुमको 2 कैंप करना पड़ेगा, 2 कैंप करने के बाद जब तुम्हारा अटेंडेंस 75% रहेगा मिनिमम, देन यू विल बी एलिजिबल टू अपियर फॉर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंत में ये बी सर्टिफिकेट का एग्जाम हो, तो बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में एग्जाम से पहले या बाद में पहले तुम्हारा ड्रिल टेस्ट ले लिया जाएगा, दो एग्जाम जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक होता है थ्योरी होता है प्रैक्टिकल, जैसे हमारा नॉर्मल किसी भी पेपर में होता है, ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल वाला है उसमें तुम्हारा
ड्रिल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, राइफल ड्रिल है तो राइफल ड्रिल, राइफल के साथ कैसे ड्रिल करना है, राइफल ड्रिल टेस्ट लिया जाएगा, मैप रीडिंग, कंपास रीडिंग, ठीक है, ये सब का टेस्ट होता है। फिर जो जो थ्योरी में तुमको पढ़ाया गया है, ठीक है, जैसे बहुत तरीके के कंपास होते हैं, ठीक है, तो वो कंपास रखे रहेंगे तुमको, या फिर तुमको कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए कि हाँ ठीक है ये कोऑर्डिनेट्स है तो तुम बाकी का मतलब ये निकालो, तो ये सब चीज होता है जो मेन प्रैक्टिकल एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हाँ ड्रिल टेस्ट वगैरह ये सब हो जाएगा, उसके बाद आएगा मेन तुम्हारा रिटन एग्जाम, ठीक है। तो रिटन एग्जाम के लिए हमारे पास एक एनसीसी का हैंडबुक होता है, ठीक है, सारे मोस्टली क्वेश्चंस उसी से आते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह को छोड़ के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें ये तुम्हारा, हाँ, और जो तुम्हारा मार्क्स आता है ना, जो सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट का जो मार्क्स आता है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर आता है, ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल को दोनों के मार्क्स मिला के तुमको ग्रेडिंग मिलता है, तीन ग्रेडिंग होता है, अल्फा, ब्रेवो और चार्ली, ठीक है, अल्फा इज द टॉप 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 मोस्ट ग्रेड, ठीक है, उसके बाद ब्रेवो, उसके बाद चार्ली, ठीक है। तो ऐसा कोशिश रखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि हमेशा मतलब अल्फा पे ही रहे। अनफॉर्चुनेटली मेरा सी सर्टिफिकेट में ब्रेवो आ गया था, ठीक है, बी सर्टिफिकेट में मेरा अल्फा था और सी सर्टिफिकेट में मेरा ब्रेवो था, बट शुरू से भी ये ट्राई करना चाहिए कि अल्फा ही रहे, किसी भी मतलब रीजन से ग्रेडिंग नीचे ना जाए, क्योंकि जहां तक जैसे आपका जितना ग्रेडिंग नीचे जाएगा ना, जो किसी भी सर्टिफिकेट ग्रेडिंग नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम होता है, अगर आप SSB जाओगे तो आपका जो रिकमेंडेशन होता है ना, आपके जो मेरिट पे वो अफेक्ट करता है, ठीक है। पहले तो आपको, अगर काफी बार तो ऐसा आता है, शायद बॉयज के लिए ऐसा है कि अगर आपका अल्फा नहीं है तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि एनी हाउ अल्फा मेंटेन रहे। मेरे साथ कुछ इश्यू हो गया था और दैट इज नॉट सपोज टू बी डिस्क्लोज ऑन द लाइव सेशन, तो पर्सनल ऐसा कुछ था, आई विल टेल यू शिवम शिवम आफ्टरवर्ड्स, तो टॉक किया तो ये सब चीज था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये हुआ दो साल, दूसरे साल के अंत में आपका ये एग्जाम होगा बी सर्टिफिकेट, और उसका जब आप बी सर्टिफिकेट पास कर ले होते हो, ठीक है, उसके बाद एक साल के बाद आपका सी सर्टिफिकेट, उसके बाद आप बी सर्टिफिकेट पास कर ले, उसके बाद एक साल और का समय बचता है, उसमें आपको एक एक या दो कैंप और करने होते हैं, ठीक है, एक या दो कैंप आप और करो, उसके बाद थर्ड ईयर के एंड में आपको सी सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए बैठना होता है, और उसका भी वही सेम प्रोसेस है, पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्स या पहले रिटर्न या बाद में प्रैक्टिकल, वो डिपेंड करता है कि आप तुम्हारे यूनिट कैसे कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एग्जाम सेम डिफिकल्टी लेवल का होता है, हल्का सा स्लाइटली स्लाइट डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है, और ऐसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल होता है दोनों का, ठीक है। और बस वही है कि एक जब जब मेरा जब एनरोलमेंट हुआ था ना 2014 में, उसके पहले एनसीसी 2 साल का हुआ करता था, बट जिस साल मेरा एनरोलमेंट हुआ उसी बार से एनसीसी 3 साल का कर दिया गया, तो मेरे जो सीनियर्स थे वो 2 साल में पास आउट हो गए और मेरे टाइम से ये 3 साल का हो गया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली पर यही है सही है ना, तीन एक साल साल हाँ सॉरी ज्यादा झगड़ा खा लिया। कोई नहीं यार, वो एक अच्छा है, और अगर अगर ये 3 साल का होता नहीं तो भाई मेरा IIM भी नहीं होता, तो अच्छा हुआ हाँ 3 साल सही का बात, हो गया हाँ सही बात है, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड में, है अच्छे के ना। लिए होता है, सही बात है आईएमए अटैचमेंट में जा ही नहीं पाता फिर ना। हाँ वही है वही है, अगर अगर 2 साल का ही रह जाता तो फिर IIM भी नहीं पता, 2 साल के एंड में सी सर्टिफिकेट मिल जाता और उसके बाद IIM के लिए फिर मेरे जूनियर्स जाते, तो एक तरह से अच्छे ही हो गया। यस तो भाई थैंक यू सो मच यार, मतलब सारी चीजें आंखें खुल गई। और अगर किसी बच्चे का कोई क्वेरी होगा मेजरली, तो हमने सारी चीजें जो A to Z जो चीजें होती है ना, जो इनके दिमाग में सवाल आ सकते हैं, वो क्लियर कर दिए हैं। अच्छा पीयूष, एक चीज आखिरी में मस्त मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब फौज, तो तेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, रिटन एग्जाम तूने भी FCAT क्वालिफाई किया हुआ है काफी बार, है ना, यू ऑलरेडी क्लियर रिटन। इवन दो बीइंग एन एनसीसी कैडेट, आई एम वेरी ग्लैड कि यार जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब सब, मतलब जो भी एंट्री से जाते थे वो रिटन तो देते थे एटलीस्ट, है ना, कि हाँ, यार मतलब अगर अगर एक चीज पैशनेट पैशनेट क्राउड है बिल्कुल। और एक चीज का क्या है ना कि मतलब आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीवन, ठीक है, एनसीसी स्पेशल एंट्री है, ठीक है, इसपे तो मतलब एंट्री जो आपकी SSB आएगी वो तो जाना ही है, बट
फोकस मेनली ऑन योर रिटन एंट्रीज, ठीक है? क्योंकि एनसीसी एंट्रीज में क्या होता है ना कि आपका मतलब एसएसबी थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि रिपोर्टिंग ज्यादा होती है, ठीक है? ये चीज तो शिवम जैसे तू भी रिलेट कर सकता है कि जो डायरेक्ट एंट्रीज होती है उसकी रिपोर्टिंग और रिटन एंट्रीज की रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना? एग्जैक्टली जो भी बच्चे हैं, जो भी कैडेट्स हैं, तो ठीक है, मतलब ये एसएसबी कोई मिस तो नहीं करना है, वेदर इट्स डायरेक्ट एसएसबी और रिटन एंट्री, लाइक डायरेक्ट एंट्री और रिटन एंट्री आपको देना दोनों है, बट रिटन एंट्री पे ज्यादा फोकस करो, जो क्योंकि वहां पे क्या है ना कि वहां मतलब स्क्रीनिंग रेट भी हाई होता है क्योंकि बच्चे लिमिटेड आते हैं, ठीक है? और इसमें हमारे में क्या होता है कि 300-300, 350 रिपोर्टिंग, तो उसके बाद फिर आपको क्या होगा ना कि मतलब दे'ल जस्ट फाइंड अ रीजन टू किक यू आउट, स्मॉल रीजन टू सेम किक यू आउट। है एसएससी टैग और टीजीसी वाला भी सेम सिनेरियो है, जो इंजीनियर्स के साथ वो होता है वो एनसीसी वालों के साथ भी होता है। तो मतलब आई हैव सीन इट ऑल ब्रो, आई कैन फील यू। तो तो वही बेसिकली वही बच्चों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे पीयूष ने सही बोला कि पीयूष ने जो एक बड़ी बढ़िया बात बोली ना कि यार एनसीसी है अच्छा है रखो, वो जीवन में डिसिप्लिन लाएगी, ऑर्गेनाइज करेगी लाइफ को, पर रिटेन नहीं भूलना, रिटेन देना है। आपके एकदम पास एकदम जितने जितने मतलब जितने एसएसबी हैं उतना बेहतर है ना। आपको रिटेन में हेल्प चाहिए, सीरियस नहीं पास हो रहा, मेरे पास आ सकते हो, मैं हेल्प करूंगा। डिफेंस एग्जाम मास्टरी पे आओ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है दिन रात तुम्हारे पेपर पास करवाने में, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आईनेट, टीए, और इवन एसएसबी के लिए वी हैव एक्स ऑफिसर्स हु विल ट्रेन यू फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे पीयूष ने बोला कि रिटेन एंट्रीज के साथ साथ एक नुकसान क्या होता है, मैं अपनी तरफ से भी ऐड करूंगा पीयूष इसमें, भाई हाँ जो इज्जत तुम्हें रिटेन एग्जाम पास करने के बाद एसएसबी में मिलती है ना, देयर वाज अ इंसिडेंट ऑफ इलाहाबाद। मैं गया हुआ था सीडीएस आई एम एंट्री एंड आई वाज सिटिंग पैरेलल टू दिस एसएससी टेक का बैच, मैं खुद भी अच्छा इंजीनियर हूँ। अब मैं वहां पे एक साहब आए, वो उनसे बड़ा मतलब उतना एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा यार लाइव हूँ, तो उनका मतलब उतना जलील किया ना उनको कि तुम लोग आ जाते हो ऐसे ही, इन बच्चों से कुछ सीखो, यूपीएससी का पेपर पास करके आए हैं ये, यूपीएससी का, और तुम मुंह उठा के आ जाते हो, मतलब एक अलग ही रिस्पेक्ट है। और भाई सच में मेहनत लगती है, ठीक है, आप एनसीसी करो या आप रिटन एग्जाम करो, मेहनत तो देखो दोनों में ही है, पर रिटन एग्जाम में भाई बिल्कुल थोड़ी ज्यादा मेहनत है। पर अगर आपके पास एक अच्छा मेंटोर है, आपका अच्छा गाइडेंस सिस्टम, आपका सपोर्ट सिस्टम, पीछे आपके कोई खड़ा है ना हमारे जैसा टीचर, तो वो आपको एकदम हाथ पकड़ के सींच के ले जाएगा कि यार बेटा तू आ, हम तेरे को पढ़ाएंगे, तेरे को पास करेंगे। एंड इट इज व्हाई इट इज ऑलवेज गो फॉर अ गुड मेंटोर, आई विल एम्फेसाइज ऑन दैट, थोड़ा सा समय लूंगा पीयूष, क्योंकि यार हाँ देर आर लॉट ऑफ थिंग्स है ना, ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड देर आर लॉट ऑफ गुड टीचर्स आउट देयर। बीइंग अ टीचर माई सेल्फ आई कैन फील हर टीचर अपना बेस्ट देता है, पर वॉट डिफेंस एग्जाम मास्टरी सेपरेट्स कि हम एंड टू एंड लगे हैं तुम्हारे साथ, 24 घंटे सेवाएं दे रखी है, 24/7। विकास सर हैं, विकास सर ऐसे हैं हमारे कि 2 बजे भी कोई बच्चा उनको सवाल पूछता है ना, तो बेचारे पेन से सॉल्व करके उसको फोटो खींच के भेजते हैं ले। और इवन आई ऑल्सो इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन रिटन, यू कम टू मी, फुल फ्लेज्ड है सब कुछ, आओ मेहनत करो, बस एक ही चीज चाहिए होती है, यू कम टू मी विद अ विल, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल सेंड यू टू अकेडमी। पेपर पास कराने से लेके एसएसबी रिकमेंडेशन तक हमारे पास एक्स ऑफिसर्स भी हैं, आप उनके माध्यम से आप उनसे गाइडेंस लो एंड देन यू गो टू द अकेडमी, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। आप जब तैयारी करते हो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास भी, उसे एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट है, और कि सर हमें कोचिंग करनी है, सर डिफेंस में जाना चाहते हैं, मम्मी नहीं मान रही, सर पापा नहीं मान रहे। अब ऐसे तो मैं बोलता हूँ ठीक है, ओके ही लेट मी, ओके देन, अब पेरेंट्स आर कंसर्न ना बेसिकली, और पेरेंट्स तुम पे भरोसा कैसे करे, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो है ना, तुम रील देख के आ रहे हो यूट्यूब पे, कोई मोटिवेशनल बंदूक फायरिंग हो रही है, जहाज उड़ रहा है, वो देख के आगे अब करेंगे हम तैयारी, अब बनेंगे हम फाइटर पायलट, भाई इतना इजी नहीं है, फौज में जाके बहुत पढ़ाई है, बात याद रखो, इट्स नॉट सो इजी, इनसाइड यू हैव टू स्टडी अ लॉट, पीयूष विल एग्री ऑन दिस थिंग कि भाई फौज में ये जाके तो बहुत है पढ़ना ही पड़ता है। कि आप फौज में किसी भी रोल पे जाओ, वेदर यू गो फॉर एज अ सिपाही जाओ, आप नॉन कमीशन अफसर जाओ, या शॉर्ट आई मीन एज अ जेसीओ जाओ या अफसर जाओ, यार पढ़ाई तो करनी पड़ेगी फौज में जाने की। जो एकदम मतलब जो 60 साल की हो जाते हैं ना, जो जैसे रिटायरमेंट जिनका आने वाला, वो भी पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा है। और एक चीज और मतलब आई वॉन्ट टू एड इज कि मेरी और शुभम की मुलाकात एक ही बार हुई है, ठीक है? हम लोग गांधीनगर एसएसबी में मिले थे, बट
ऐसा लगता है कि अगर शुभम शायद 1-1.5 साल पहले मिला होता ना, तो इसके गाइडेंस से मेरा हो जाता। तो यू गाइज आर वेरी लकी टू हैव अ मेंटर लाइक शुभम, बिकॉज लाइक आई हैव सीन हिज नोट्स एंड ऑल, लाइक हाउ मच हार्ड वर्क ही हैज डन फॉर फॉर आई मीन टू अटेन दिस। ओके एंड इफ ही इज वर्क पत्ती यू गाइज, पत्ती मत खोल इफ मेरे। नो 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 इफ ही इज हेल्पिंग यू गाइज, देन आई थिंक लाइक यू आर वेरी वेरी लकी। सो लाइक टेक मैक्सिमम लाइक बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड लाइक आई एम टेलिंग यू लाइक इफ वी हैड मेट अ कपल ऑफ ईयर्स बिफोर ना, सो लगता है कि आज यार यूनिफॉर्म होता मेरे पास, क्योंकि इसके जैसा मेंटर मिलना बहुत मुश्किल है। अबे वो और मेरा ये दोस्त है, तो तारीफ नहीं कर रहा, वो सच में मीन बस एक दिन की मुलाकात है भाई, बस एक दिन की मुलाकात है। और ये SSB में अपनी नोट्स लेके आया था, 3 कॉपीज पूरी भरी हुई थी, 3 कॉपीज, और वो भी वो सिर्फ, ऐसा नहीं कि वो नोट बाकी ये तुम्हारा रिटर्न वर्टन का नोट्स था, सिर्फ SSB के लिए। मतलब ये बंदा जितने अच्छे से खुद को जानता है ना, तो उतना मतलब हमारे और तुम्हारे मतलब अभी तो अभी बस में ही नहीं है। तो ये बंदा खुद पे इतना जितना है मतलब काम कर चुका है, तो अगर इसके एक्सपीरियंस से तुम लोग थोड़ा सा भी ले पाओ ना, तो पीछे मत हटना। थैंक यू भाई, रियली मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू मैन। एंड नो मैं इस बारे में, अब जब बात हुई है पुराने टाइम की, तो पीयूष मैं ऐड करूंगा कि हम लोग गांधीनगर में थे, और हम लोग घूमे भी थे। एक दिन पहले पहुंच जाते थे हम लोग, पूरा हम जो नो भी नो घूमे, मतलब एक दिन पहले नो जाते थे, पूरा दिन घूमते थे, अगले दिन भाई फ्रेश होना है, मूड फ्रेश कर लेते हैं यार, कल तो स्क्रीनिंग है, जूम लगनी है कल तो लंका। और मतलब है एक एक ना एक वो होता है ना यार, दोस्त बन जाते हैं। एंड यू नो कि यू नो अनुराग, आई ऑल्सो नो अनुराग, है ना, लेफ्टिनेंट जी अनुराग, ही इज मैडम नो गुड, ही वाज आवर फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड था हमारा। एंड पीयूष का ही, जब ही गॉट मार्टियर, तो पीयूष का ही मेरे को फोन आया कि यार ऐसा हो गया। एंड आई रिमेम्बर यार, मेरे जो SSB के दोस्त हैं, लाइक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई वॉज एन आर्म फोर्सेज एस्पिरेंट, एंड इट हैज गेव मी एवरीथिंग। आई एम अर्निंग माई ब्रेड एंड बटर थ्रू द एक्सपीरियंस आई होल्ड इन माई SSBs। मेरी पर्सनैलिटी, आई वॉज अ साई काइंड ऑफ किड, मैं बोल नहीं पाता था ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव नहीं था। आज मैं कैमरा फेस कर पाता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में मैं आ चुका हूँ, पढ़ा पाता हूँ, तुम लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाता हूँ। उसमें मेरे पूरे अटेम्प्ट, जो डिफेंस एग्जाम के पेपर, NDA से लेके FCAT निकाला, CDS निकाला, उसका रोल है। और उसमें सबसे बड़ा रोल एक जो जाता है, वो मेरे दोस्तों का भी जाता है। एक तो सामने बैठा है, ठीक है, तो मेरे दोस्तों का भी अरे बहुत रोल होता है उसमें, कि यार वो भरोसा करते हैं एटलीस्ट, है ना। और दीज गाइज आर जस्ट कॉल अवे। एंड जो एक दूसरी चीज जो मुझे अपने तैयारी से मिली बच्चों, वो थे मेरे दोस्त, एंड उनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा कभी भी जीवन में। एंड ये बस एक कॉल अवे है। मैंने पीयूष को बोला भाई मेरे को सेशन करने का है, एंड ही वॉज बिजी, आई वॉज ऑल्सो बिजी, वी वर प्लानिंग पिछले वीक, पर नहीं हो पाया। एंड देन उसने बोला चल वीकेंड पे छोड़, वीकडे में करेंगे। एंड वीकडे पे, ये तेरे को पता है, अभी भी मैं मीटिंग से आया और मीटिंग में था बीच में, एंड मैंने कहा भाई 2 मिनट लेट होगा, एंड देन आई जस्ट डायरेक्टली जम्प ऑन कि अब सेशन करना है बॉस। एंड ये सब हम इसलिए करते हैं कि आप लोगों को राइट मार्गदर्शन मिले, गाइडेंस मिले। एंड देखो, जो हमारे अटेम्प्ट्स थे, जो हुआ, जो गलती करी, मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा अगर अपने पास आ रहा है, उसको एकदम टू द पॉइंट प्रिसाइज चीजें मिले, वो कहीं इधर उधर भटके ना। मेरा हमेशा जेन्युइन इंटेंट रहता है, विकास सर का और जो भी हमारे साथ ऑफिसर्स आते हैं, सबका जेन्युइन इंटेंट ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन बींग अ टीचर हम दे पाए इस देश को, फौज को। हमारी तरफ से बच्चे कहीं अगर पिछड़ रहे हैं, तो उनको बेचारों को मदद हो जाए। आप हमारे रिटन एग्जाम के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, डिफेंस एग्जाम मास्टरी पे। तुम्हारा आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, डिफेंस एग्जाम मास्टरी पे आओ, फॉलो कर लो, हमारी रील सेक्शन में चले जाओ, हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाओ, इतने सेशंस है ना यार, देख देख के ही रिकमेंड हो जाओगे तुम, इतना कॉन्टेंट पड़ा हुआ है। और रिटन के लिए तो मैं हूँ, आप मेरे को कोरा पे फॉलो कर सकते हो, कोरा पे मैं आंसर्स करता हूँ, more than 2 lakh आंसर व्यूज आई हैव। आप मेरे को किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे फाइंड आउट कर सकते हो, आई विल बी वेरी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू। तो आज हम थे, हम मेरे एक बहुत खास दोस्त पीयूष के साथ, बच्चों जिस जिसने ज्वाइन किया, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू भाई, इतनी सारी मतलब चीजें पता लगी, आज मेरे भी कुछ डाउट्स थे वो दूर हो गए एक्चुअली में NCC को लेके। एंड दैट वॉज रियली अ वंडरफुल सेशन। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। और होगा भविष्य में ना, जब भी टाइम मिलेगा, तो और भी कुछ सेशन अपन प्लान करते हैं, फन सेशन काइंड ऑफ बच्चों के श्योर लिए। sure. हाँ थैंक यू भाई, जय हिंद। हाँ जय हिंद, थैंक्स शिवम, बाय।
बाय बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर।